शिवपुरी जिले की पिछोर तहसील के अंतर्गत ग्राम बामौर से कुररोल तक का रास्ता बहुत ही खराब दिखाई दे रहा है, जहां से ग्रामीणों को इस रास्ते से बरसात में निकलने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका सफर 7 किलोमीटर बताया जा रहा है। इस रोड से प्रतिदिन 700 के करीब ग्रामीण निकलते हैं। ग्रामीणों की ना सरपंच सुनता है ना ही कोई अधिकारी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यह सब देखकर ऐसा लग रहा है कि प्रशासन की इसमें घोर लापरवाही है। बरसात का समय चल रहा है, यदि किसी को संकट काल में जल्द किसी कार्य के लिए जाना पड़े तो वह अपने कार्य तक पहुंच ही नहीं पाएगा। पूरा रोड गड्ढों में तब्दील दिखाई दे रहा है। प्रशासन को बरसात में ही ऐसा नमूना, मतलब गड्ढे में तब्दील सड़क दिखाई नहीं दी तो मालूम है कि कभी भी प्रशासन की पहुंच बामौर से कुररोल तक पहुंचना असमर्थ है। ग्रामीणों ने सोशल मीडिया के माध्यम से सड़क में से निकलने में हो रही समस्याओं को बताया और जल्द पक्की सड़क बनाए जाने की बात रखी। शिव कुमार लोधी, गब्बर जाटव, माखन जाटव, चंदन जाटव, बीपी जाटव, गोलू लोधी, विजय लाल, राहुल लोधी, अरविंद लोधी, सुरेश लोधी, करोल बाले, पप्पू पाल आदि ग्रामीणों ने रोड बनवाने की मांग की। दिनारा से संवाददाता विकास राजा की रिपोर्ट। क्या ये बच्चा बीमार है? हाँ साहब बीमार है। हाँ, कहाँ लोग आ जा रहे हो आप? अच्छा अच्छा, इतनी खराब रास्ता है। हाँ, आप कहाँ से आए भाई साहब? हाँ, कैसी रास्ता है आपने? कैसी खराब है पूरी? अच्छा, ऐसी ही रास्ता है जैसी जो अभी यहाँ है? अच्छा अच्छा अच्छा, आप गोचोनी से आए हो तो आपका कहना क्या है इस रोड का? अच्छा, सही बन जाए। कितने सालों से खराब है? अच्छा अच्छा, बहुत सालों से खराब है। तो थोड़ी चढ़ाई जा रहा है, लेकिन गाड़ी धड़काने पड़ रही है। अच्छा, धड़काने पड़ रही है गाड़ी। अच्छा अच्छा, तो मतलब अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई इसकी। अच्छा चलो ठीक है, तो आपका कहना ये है कि ये रास्ता सही तरीके से सही सुधार जाए। हाँ, ये 2 किलोमीटर तक तो बिल्कुल धड़काने पड़े। अच्छा अच्छा, तो ऐसे बहुत सारे कितने लोग करते हैं इस रोड पे एक दिन में? अच्छा अच्छा, तो रात दिन यानी बीए बीएससी बीकॉम हेतु प्रवेश प्रारंभ अल इब्राहिम महाविद्यालय अमरपुर रक्सा झांसी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9453907214।